खबर मुंगावली से। विकास यात्रा में ग्रामोत्सव जैसा माहौल तो सौगातों की हो रही बौछार। समस्या के लिए फैसला ऑन द स्पॉट की कार्यशैली के साथ मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव। मुंगावली विधानसभा में विकास यात्रा ने लगभग आधा पड़ाव पूर्ण कर लिया। स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह यादव इस यात्रा में लोगों के बीच जाकर सरकार की जनहितैषी नीतियों की जानकारी दे रहे। संपूर्ण विधानसभा किद में कितने कार्य सरकार द्वारा हुए ये बता रहे। हालांकि ये भी सत्य है कि सभी लोग विधायक से संतुष्ट हों ये कदापि संभव नहीं, लेकिन फिर भी इस यात्रा के दौरान यहाँ भी कोई शिकायत मंत्री के समक्ष आ रही, उसका निराकरण मौके से करने की पूरी कोशिश की जा रही। 13 तारीख को विकास यात्रा गुनेहरू पंचायत में पहुंची और इस यात्रा को लेकर ग्रामवासियों में उत्साह भरपूर दिखा। गुनेहरू सरपंच प्रतिनिधि राजू यादव के द्वारा इस यात्रा के लिए उम्दा इंतजाम किए गए। इस ग्राम की 14 महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के समक्ष ली। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह द्वारा गुनेहरू पंचायत के लिए सौगात के रूप में अमृत सरोवर जो 12,30,000 की लागत से बनेगा उसकी शिला पट्टिका का अवलोकन किया। ग्राम के लिए 13,78,000 की लागत से सरोवर निर्माण तो एक महादेव मंदिर की छत जो निर्माणाधीन है उसके लिए 50,000 की सहायता दी। पात्र हितग्राहियों को खेत कुआं भी स्वीकृत हुआ तो इस ग्राम में भी 23 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस यात्रा के दौरान लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश यादव और भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मिल रही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, 2 लोगों को मिल रही है। मंदबुद्धि बहुविकलांग, 4 लोगों को मिल रही है। निःशक्त पेंशन योजना, 17 लोगों को मिल रही है। कल्याणी पेंशन योजना, 17 लोगों को मिल रही है। कल्याणी पेंशन योजना 29 लोगों को मिल रही है। राष्ट्रीय परिवार सहायता 5 लोगों को भी स्वीकृत हुई है। संबल हितग्राहियों की संख्या 3 है। क्यों सचिव महोदय, यहाँ तो कुल 3 हितग्राही है संबल में, क्या है? आप मुझे बताएं कितने नाम है? ऑनलाइन कराना है, कराना है, लेकिन अभी तो नहीं है, है? आप कब से हो यहाँ पे? 2 साल हो गए। 2 साल में ऑनलाइन नहीं हो पाए, ऐसी प्रक्रिया के 2 साल के बाद होंगे क्या? उसी साहब ये संभल की क्या है प्रक्रिया मुझे बताएं आप। और बस कह रहा हूँ गाँव वालों से, अगर कोई पैसा लेता है तुम्हारा रोजगार सहायक सचिव, मुझको आप शिकायत करो, मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा, उसको नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा किसी कीमत पर, उसको सस्पेंड करूंगा, जेल भिजवाऊंगा। अगर कोई पैसा लेता है किसी को 1 रुपया मत देना। ऐसा नहीं है कि मैं आज आके फिर कभी नहीं आऊंगा, 1 महीने बाद फिर आऊंगा मैं आपके बीच में, नहीं खबरा, फिर बात करूंगा कि आपका काम किया कि नहीं किया। आपसे किसी ने पैसा तो नहीं मांगा। बीट सरकार में क्योंकि ये माननीय मंत्री जी मेरे सेक्टर का गांव रहा है, पूर्व में मैं लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव का यहाँ का सेक्टर का प्रभारी रहा हूँ और मेरा इस क्षेत्र में काफी आना जाना रहा है चुनाव के टाइम पर। मैं इस चीज को मानता हूँ कि शायद है कि मुंगावली विकास खंड में यदि सबसे ज्यादा PM आवास होंगे तो वो बीट सरकार में होंगे। यहाँ से पास में ही तिनसी गांव है, करीब करीब 350 के आसपास, तो पिछली बार सिर्फ तिनसी में PM आवास है। उसके बाद बरकेरा डांग में, वीरपुर में, सरदारपुर, पंधी, बड़ी पंचायत है। तो शायद है कि सबसे ज्यादा यदि मुंगावली ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास कहीं मिले होंगे तो वह बीट सरकार में मिले होंगे। उसके साथ खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।